नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार किसकी है, किसका हक है, इस पे कौन है इसका मालिक, मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बात कर रही थी कुतुब मीनार की। दरअसल कुतुब मीनार के कई दावेदार हो गए हैं। कुतुब मीनार पे मालिकाना हक को लेकर के आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक सुनवाई हुई। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार पर अपने मालिकाना हक को लेकर के कोर्ट में याचिका दर्ज की। कोर्ट ने इस मामले पर जो फैसला किया उसे सुरक्षित रख लिया है और 17 सितंबर को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। सिंह के वकील एमएल शर्मा ने कहा है कि सरकार ने 1947 में बिना इजाजत के, यानी कि मिस्टर सिंह की इजाजत के बिना पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। और उनका ये भी दावा है कि न केवल कुतुब मीनार बल्कि आगरा से मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुरुग्राम तक जमुना और गंगा नदी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो उनके हैं, ये उनका कहना है। और शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1960 में एक याचिका दाखिल की गई थी जो आज तक लंबित है। इसी बीच एक और पक्ष ने कुतुब मीनार पे अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक इमारत जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने इसके जवाब में कहा है कि इस याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक कि जमीन के मालिकाना हक से जुड़े जो भी मामले हैं सब सुलझ नहीं जाते। और जो पुरातत्व विभाग है उसने कुतुब मीनार से छेड़छाड़ करने का विरोध किया है। इस विभाग के यानी कि एएसआई के वकील ने 24 मई को साकेत कोर्ट में ये कहा था कि 1914 से कुतुब मीनार संरक्षित स्मारक है, इसका रूप स्वरूप नहीं बदला जा सकता। एक और बात, हिंदू पक्ष के वकील अमिता सचदेव ने कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले 102 साल के बाद संपत्ति पर अधिकार का दावा कर रहे हैं और ये मात्र एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने मीन्स उन वकील साहिबा ने इस पर जुर्माना भी लगाने का कोर्ट से कहा है। उन्होंने कहा कि पुराने मामले का जिक्र करना इस समय बिल्कुल हास्यास्पद लगता है जिसमें महिला ने बहादुर शाह जफर के खानदान से होने का दावा भी किया था। ये भी एक एप्लीकेशन लगी हुई है लेकिन हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया था कुतुब मीनार हिंदू शासक के समय में भगवान विष्णु के मंदिर पर बनाया गया था और विष्णु ने यह भी दावा किया था कि जब मुस्लिम शासक यहाँ आए तो उन्होंने 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ करके कुछ हिस्सों का निर्माण कराया, साथ ही इसका नाम बदल के कुवत उल इस्लाम मस्जिद कर दिया। तो दोस्तों अभी कुछ पता नहीं है कौन कौन से स्मारक जो हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उन पर कौन कौन अपना हक जमा सकता है। तो कुतुब मीनार पे तो बहुत सारे दावे हो रहे हैं कि ये हमारी है, ये हमारी पुश्तों की है, ये हमारी पुश्तैनी इमारत है, यहाँ पे मंदिर था, ब्ला ब्ला। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कुतुब मीनार किसकी है। हालांकि जो पुरातत्व विभाग है उसने ये साफ कर दिया है कि इसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 1914 से ही एक संरक्षित स्मारक है, इसका स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिए, ये गलत है।
लेकिन अब चूंकि चीजें कोर्ट में है तो देखा जाएगा कि किस तरीके से चीजें अपना स्वरूप लेती हैं। दोस्तों इस कंटेंट पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।